तीन से पैंसठ दिन बीच वैलिड की है, सात ये बीच पीरियड तो 60 दिन का है, दो महीने का बिल है, टोटल कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तीन से पैंसठ दिन में। नहीं, जो आदमी बिल करेगा उसकी बिल की वैधता तीन से पैंसठ दिन है। मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया आपको दो महीना विलम्ब हो गया, तो ऐसा नहीं कि जिसने बिल किया उसकी बिल वैलिडिटी खत्म हो गई, यानी जो बिल की वैलिडिटी है वो एक साल वैलिड है। कई बार होता है इसलिए वैलिडिटी दी जाती है कि कई बार कोई कोर्ट चला गया, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो बिल वैलिडिटी लंबी दी जाती है जिससे कि उस दौरान ये एकाएक बिल खत्म ना हो जाए, तो इसलिए दी जाती है। एक ये नॉर्मल प्रोसीजर है, सब जगह दी जाती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सेम चीज़ जो है जेवर एयरपोर्ट के लिए भी तीन से पैंसठ दिन की वैलिडिटी थी, वही सिद्धांत है। ये सर एयरपोर्ट के साथ किस का हो सकता है? नहीं, ये क्योंकि 20 तारीख को सरकार ने, राज्य सरकार ने शासन आदेश कर दिया कि इसका डॉक्यूमेंट अप्रूव कर लिया, इसलिए आज हमने इसको जारी कर दिया। इसका कोई जब तक बिडर नहीं सेलेक्ट होगा तब तक कोई इसका कार्यक्रम नहीं होगा, जब बिडर सेलेक्ट होगा तो कार्यक्रम होगा। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी है उसके संबंध में आपसे वार्ता करना चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के संबंध में शासन ने 20 नवंबर को कल एक शासनादेश जारी किया, जिसमें उन्होंने RFP जो डॉक्यूमेंट था और जो कंसेप्शन एग्रीमेंट था उसका अनुमोदन दे दिया है। तो आज हम यहाँ पर यह आप लोगों को बताने के लिए इकट्ठा हमने आपसे अनुरोध किया है कि बिड डॉक्यूमेंट हम जारी करने जा रहे हैं, वो कल जारी हो जाएगा। फिल्म सिटी के बिड डॉक्यूमेंट RFP ड्राफ्ट RFP को कहते हैं, और कंसेशन एग्रीमेंट कोई भी ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में इसमें जब प्री बिड होती है तो उसमें लोग अपने आपत्तियां बताते हैं, और उन आपत्तियों के निराकरण के बाद जो फाइनल अपलोड किया जाता है उसको फिर फाइनल RFP और फाइनल बिड डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो जो ड्राफ्ट RFP और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट है वो कल अखबारों में समाचार पत्र में आ जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग होगी जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी और देश के समाचार पत्रों में भी इसका कल विज्ञापन होगा। परसों से ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, जो कि बिड कोई खरीदना चाहे बिड डॉक्यूमेंट खरीद सकता है, और ये उपलब्धता जो है यमुना प्राधिकरण का जो अपना पोर्टल है उस पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा इसको और कहीं पर भी NIC पर उपलब्ध रहेगा। इसमें आपको जैसे आप अवगत हैं कि सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित जो है बनने जा रही है, इसमें करीब 7 से 40 एकड़ में फिल्म फैसिलिटी रहेगी, 40 एकड़ में फिल्म संस्थान रहेंगे, 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क रहेगा, इसके अलावा लगभग 100 एकड़ में जो हॉस्पिटलिटी विलास और कमर्शियल डेवलपमेंट किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 1000 एकड़ में सेक्टर 21 में यमुना एक्सप्रेस वे का जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है उस पर ही ये अवस्थित है, और जेवर एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है उससे केवल 4 किलोमीटर दूरी पर है। इस फिल्म सिटी को के संबंध में जो बिड हो रही है उस बिड की जो खास खास बातें हैं सब हम आपको दे रहे हैं, उसमें क्या प्रोजेक्शंस हैं। इसके 3 चरणों में बनेगा, 2022 से 2024 पहला चरण है, 2025 से 2027 दूसरा चरण है, और 2027 से 2029 तीसरा चरण है। 2029 में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, लेकिन जो मेजर जो वर्क है काम फिल्म से रिलेटेड जो है फिल्मी इंस्टीट्यूट का, फिल्म स्टूडियो का, फिल्म एक्टिविटीज़ का, ये सभी पहले चरण में ही कवर हो रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क भी पहले चरण में कवर हो रहा है। इसके बारे में बताया इसकी जो बिड वैलिडिटी होगी वो कुल 3 से 65 दिन की होगी, 1 साल की होगी। जो कंसेशन पीरियड है वो 40 साल का है, जिसे कि फर्दर 30 साल बढ़ाया जा सकता है रीबिड पर। रीबिड वैलिडिटी कितनी है? 40 बिड वैलिडिटी 3 से 65 दिन, 365 डेज जी। और सर सेकंड टर्म क्या इस्तेमाल किया था आपने? कंसेशन पीरियड 40 साल का है, जिसे कि फर्दर 30 साल और पुनः बिड प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको नेटवर्क बता दिया और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको बता दिया कि कौन लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ये भी आपको बताना जरूरी है कि इस फिल्म के आने से और इस फैसिलिटी के आने से जो उतना एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बहुत सारा यहाँ रोजगार जनरेट होगा, 40 से 50 हज़ार लोगों को सीधे
रोजगार मिलेगा, 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और आप जैसे आप लोग लिखते रहे, आप अवगत हैं कि जेवर एयरपोर्ट से यहाँ पार्ट टैक्सी यहाँ तक आएगी, कि अगर जेवर एयरपोर्ट में कोई ले ओवर है 3 से ज़्यादा घंटे का 4 घंटे का 5 घंटे का, तो जो लोग एम्यूजमेंट पार्क आना चाहें वो पार्ट टैक्सी का उपयोग करके फिर सिटी में आकर के एम्यूजमेंट पार्क में विजिट कर सकते हैं और फिर वापस जाके अपनी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। यहाँ पर जो